दोस्तों नमस्ते प्रणाम, और कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। और जहाँ भी हैं स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अमीरा को सम ब्लॉग देखते रहो। तो चलिए मैं दिखा रही हूँ, मेरे एक स्पेशल ब्लॉग है करेला के, तो मैं दिखाती हूँ आप लोग के। तो आप लोग देखिए मैं किस तरह से करेला बनाऊँगी। तो ये देखिए करेला है, मेरे पतिदेव जी छोटे छोटे करेला लाए हैं, सीजन आ गया है करेला के। तो भरुआ ज़्यादा खाते हैं हम लोग, ज़्यादा भुजी खाते हैं, उनको पसंद नहीं है भुजी, तो वो ज़्यादा मतलब भर के खाते हैं। और यहाँ पे करेले साफ कर लिया है, और इसको नमक के पानी में रख देंगे आधे घंटे तक, और इसका कड़वा जितना होगा वो निकल जाएगा। तो मैं तो इस तरीके से करेला बनाती हूँ, आप किस तरीके से बनाते हैं आप लोग अपना टिप्स शेयर करना मुझसे, और मैं आपको अपना टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग देखिए, और बहुत यहाँ पे मच्छर हैं, किचन में बहुत मच्छर हो रखे हैं, तो मुझे काट रहे हैं, हमला कर रहे हैं मुझ पे। तो चलिए और मेरे ब्लॉग में बने रहिए। फ्रेंड देखिए मैं करेला ले रही हूँ, और ये यहाँ पे रख दे रही हूँ थाली में कुछ भी। और इसका बीज निकाल लिया था। करेला एकदम ड्राई है, सूखी हुई है अभी। अभी इसमें नमक डालूंगी। ठीक है, और देखिए यहाँ पे करेला पानी छोड़ जाएगा नमक डालते ही। इसको रखेंगे आधे घंटे तक नमक डाल के। करेला पानी छोड़ दिया है, और इसको धो के उबाल में रखेंगे। उसके पानी निचोड़ निचोड़ के मैं बैठा रहती हूँ उबालने के लिए। और यहाँ पे देखिए 7-8 प्याज काट लिया है, और इसको मैं हल्का सा उसमें मिक्सी में वो ग्राइंड कर लूँगी, और इसको भी करूँगी, नहीं तो इसको ऐसे डाल दूँगी, क्योंकि कोई कोई होता है ना जो मुँह में चुभ जाता है इसका टाइट सब्जी, और इसको नहीं करूँगी, मैं इसको ऐसे ही डालूँगी। और ये मिर्ची भी मैं लहसुन मिर्ची और प्याज काट के रखी हूँ, इसको मिक्सी में घुमा दूँगी और ग्रेवी बनाऊँगी। तो फ्रेंड देखिए ये उबल गया है, और मैं इसको निकाल लेती हूँ। टाइम कम लगता है उबलने का, लगता है। मेथी डाल लेती हूँ तड़के के लिए, सौंफ होगा तो सौंफ डाल लीजिए, सौंफ खत्म हो रखा है, मैं मेथी डाल लेती हूँ। और कढ़ाई
कढ़ाई देखेंगे तो आप लोग को लगे कितनी काला कर रखी है। ये बहुत साल पुराना कढ़ाई है, काला हो गया है, नहीं छूटता है रगड़ने से भी। पहले मेरे पतिदेव जी बनाते थे, अकेले खाते थे, तो उन्हीं ने कर रखे थे, कर रखे हैं, अब तो मैं बनाती हूँ। जितना तला भूजा जितनी होता है इस कढ़ाई में, दूसरे कढ़ाई में नहीं करती हूँ। प्याज थोड़ा थोड़ा लाल हो गया है ब्राउन, मैं मसाला ऐड करती हूँ। देखिए मिर्ची है, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर मिक्स है, 2 चम्मच डाल दूँगी, 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर। तीखा खाते हैं तो तीखा थोड़ा ज़्यादा डालिए आप। और ये इसका बीज है, देखिए ये अचार है आम के, पुराना 3-4 साल, तो इसको मैश कर लिया है और इसको डाल दूँगी खट्टा के लिए। आम चुन गई है तो मैं अचार डालती हूँ। आम के अचार डाल दिया है और ये है नमक स्वाद के अनुसार, नमक थोड़ा कम डालती हूँ क्योंकि ऊपर से भी डालती हूँ। एक मसाला भरने के लिए है, मिला के इसको 2 मिनट पका के बस रखेंगे। यहाँ पे रख दिया है कुकर, इसमें रख दिया तेल, थोड़ा सा डाल दिया है और इसी में डालूंगी भाजी कढ़ाई में। ये गरम कर लिया है और चलिए यहाँ पे रेडी हो गया मेरा मसाला। और इसमें बहुत झंझट लगता है, मेरे को टाइम लगता है और बच्चे खाते भी नहीं हैं, उनके लिए कुछ और बनाना पड़ेगा। और सुबह का टाइम है तो स्कूल जाना था, तो पास्ता भी बनाया उनके लिए, बहुत टाइम लग जाता है और बच्चे नहीं खाते हैं तो और बनाने का मन नहीं करता है। ये पास्ता बना के दिया था स्कूल में, मैक्रोनी बोले थे मम्मी मेरे को करेले खाना है, तो उनको बना के दे के स्कूल भेज के फिर अपना काम शुरू किया, जिसमें बहुत टाइम लगता है। अभी मैं झाड़ू भी नहीं लगाई हूँ, इसको भर के और रख के तब तक धीमे धीमे आँच पे पकते रहेगा कुकर में, तब जाके मैं झाड़ू लगाऊंगी। इस तरीके से भर लेते हैं, मैं चम्मच से ही भर रही हूँ, ये हाथ में मोबाइल है, तो चलिए मैं भर के दिखाती हूँ। तो रेडी कर लिया है भर के फ्रेंड, और मेरा आवाज़ थोड़ा दबा दबा भारी से आ रहा है क्योंकि मेरे को हो गई है सर्दी जुकाम, तो इस वजह से, और बहुत तेज मेरे को सर्दी जुकाम हो गई है। और देखिए यहाँ पे मैं रख रही हूँ, तेल पहले से गर्म करके रखा था, रख दिया। अब थोड़ा थोड़ा ऊपर से थोड़ा हल्का हल्का ब्राउन कलर हो जाएगा, कलरती रहूँगी और इसमें बन जाएगा। और ये मसाला बच गया था जो मैं बाद में डालूँगी इस पर ऊपर से, देखिए फ्रेंड यहाँ पे हो गया ब्राउन ब्राउन कलर। इस तरीके से हमें चारों तरफ से सेक लेना है और इसमें जल्दी बन जाता है। मैं ज़्यादा उबाल ही नहीं थी तो इस टाइट था, तो इसमें मैं बनाती हूँ इसलिए टाइट से उसको निकाल दिया था उबाल करने से पहले। और इसमें पकते रहेगा धीमे धीमे आँच पे, बहुत अच्छा बनता है। आप इस तरीके से बना के देखिए और फिर बोलिए।
देखिए फ्रेंड, चारों तरफ से सेक लिया है। और इस तरीके से करेला बनाएंगे आप, अगर 10 दिन तक ऐसे रखेंगे करेला को तो ख़राब नहीं होता है, क्योंकि इसमें पानी कम होता है और खटाई होता है, तो इसलिए ख़राब नहीं होता है। और हम सफ़र के लिए यही ले जाते हैं, जहाँ मतलब बिहार हम जाते हैं तो ऐसे करेले बना के ले जाते हैं, 4 दिन तो आराम से चले जाता है। और ये थोड़ा सा जो मसाला बचा हुआ था तो ये ऊपर से ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड, करेला रेडी। और आपको अगर करेले के शौकीन हैं, अगर आप सफ़र में ले जाना चाहते हैं तो इसको थोड़ा फ्राई करके ले जाइए, पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, और 2-3 दिन तो आराम से चल जाएगा। सर्दियों के मौसम में तो चल जाता है, गर्मी का मौसम है तो 2-3 दिन तो जाता ही जाता है। और देखिए, मैं इसे भी सूखा बनाई हूँ, बिल्कुल देख सकते हैं। और मेरे तो हो गया किचन के काम, यहाँ पे आटा लगा लिया है और यहाँ पे सारे बर्तन फैला है, इतने से काम करने में मैंने बर्तन पूरा फैला देती हूँ। और मैं चलती हूँ अब सफाई करने, अब आराम से सफाई होगा और कोई टेंशन नहीं। और ये वीडियो ब्लॉग मेरे को आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड।